आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू शूट दिस यू नो क्योंकि मैं वैसी हूँ लाइक फैंसी लिविंग एंड ऑल यू नो. मिलिंद विल रिप्लाई कि दैट जब निकी तंबोली अगर सेट हो तो मैं कैसे सो सकता. हाँ वो भी है. इस गाने पे जस्टिस निकी के अलावा कोई नहीं कर सकता. ही इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन. ऐसा एक पल के लिए भी लगा नहीं है कि मिलिंद को सेट पे नींद आ रही है या फिर ही इज टायर्ड. मेरी जिंदगी में इंडिपेंडेंट म्यूजिक की एक अलग जगह है. So that is why I give more preference. पिछले साल तुझे दे बैठा दिल में तेरे सिवा बोल किसके भरूं बिल. तू मानती नहीं कुछ जानती नहीं तेरे बिना मेरी जिंदगी में शांति नहीं. Hi guys, this is me Nikki Tamboli and you are watching me on Bollywood Hangama. Do subscribe. Milind and Nikki, welcome on Bollywood Hangama. Thank you so much. Thank you. And congratulations for Shanti. It is causing a lot of Ashanti on YouTube trends. It's trending at number 6 right now. Yes. 12 million views. Congratulations. How does it feel? It feels amazing. बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दिल से काम किया था. बहुत फिजिकली भी अपने पे वर्कआउट किया, काम किया, डांस सीखा. I am pathetic at dancing, like always I say. तो डांस स्टेप सीखे, देन फिजिकली वर्कआउट किया, फिर बहुत बड़ी वीडियो प्लान की एंड हियर इट इज. पीपल आर लविंग इट. इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर. सो या आई एम थैंकफुल. ऑलराइट. एंड निकी, ऑन योर फर्स्ट डे इटसेल्फ इन द बिग बॉस वी सॉ योर डांस मूव्स विद एजाज खान. सबसे पूरे इंडिया और हिंदुस्तान जो दुनिया भर जो है वो आपके डांस मूव्स के टोटली एकदम बिल्कुल कायल हो चुके हैं. यू सीम टू बी हैविंग फन. आई थिंक यू गॉट अ very glamorous and wonderful wardrobe as well. Yes. So tell us how was the experience? Experience was fantastic. Mera pehli baar tha Milind Gabba ke saath song this one and I was really looking forward kyunki mujhe gana jab maine suna tha I was very excited to shoot this you know kyunki main waisi hu like fancy living and all you know I was very excited to decked up and you know aur inke saath shoot karne ka experience to alag hi tha because he is very energetic person you know bahut zyada. I remember we were shooting hum log ne ye ek din mein gana shoot kiya and aisa ek pal ke liye bhi laga nahi ki milind ko set pe neend aa rahi hai ya fir he is tired. Even at 6 o'clock in the morning he was full charged up you know. So I was just asking him every time ki ye energy aati kahan se hai. Itni energy like every shot even if it's a rehearsal he gives his best shot. So it was fantastic working with him. You know, to that, Milind will reply that जब निकी तंबोली अगर सेट पे हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ. हाँ वो भी है. नहीं होगा. क्यों? Am I right, Milind? नहीं बिल्कुल. और निकी की तारीफ ये मैं करना चाहूँगा कि she came from Big Boss and she is a big sensation. तब भी बहुत बिग थी और हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. तो यू नो लाइक आई से कि इस गाने पे जस्टिस निकी के अलावा कोई नहीं कर सकता था. बिकॉज जैसे उसने कहा कि वो फैंसी है, नॉटी है, क्रेजी है, यू नो स्वैगी है, यू नो फुल ऑफ लाइफ. तो दिस सॉन्ग हैड टू हैव दैट. शी वाज वेरी हम्बल ऑन सेट. शी वाज वेरी लर्निंग ऑन सेट. शी वाज लर्निंग डांस स्टेप्स एंड शी वाज लर्निंग ऑल दी एक्सप्रेशन इन दैट. तो जब तक शॉट सही नहीं आता तब तक यू नो शी यू नो यूज्ड टू डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. Which I liked it कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आने के बावजूद भी यू आर नॉट टेकिंग योर स्किल एट यू नो कुछ ऐसे नहीं, आप हल्के में नहीं ले रहे. आप यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन दैट. सो दिस इज द ग्रेट थिंग टू लर्न फ्रॉम हर. व्हाट आई पर्सनली फेल्ट व्हेन आई सॉ द म्यूजिक वीडियो निकी वाज दैट एक ग्लैमरस अपील आपका है उसमें, बट एट द सेम टाइम देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ इनोसेंस. यू नो वो एक बहुत एक यूनिक सी चीज है. मासूमियत होना एक वो ग्लैमर के साथ में, आई थिंक व्हिच इज अ वेरी वेरी नाइस कॉम्बिनेशन. आई वुड से दैट इज यू, राइट? That is me. That is absolutely me. मुझे काफी directors भी कहते हैं for roles and जो मेरे upcoming projects आ रहे हैं web series की. She got that innocence, you know, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा attractive लगता है. तो yeah, I am blessed. All right. And Milind, बहुत ही मुश्किल ये दौर है. और you know, I personally feel entertainers, they are doing a lot of wonderful social service right now by making people feel normal. And लोगों को जितना हंसा सकें, नचा सकें एंड एंटरटेन कर सकें. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल, आई थिंक मेरे से किसी ने भी हम लोगों में से इस तरीके का दौर देखा नहीं है एंड आई होप कि कभी देखना ना पड़े. जब आप ये गाना बना रहे थे एंड
when you were shooting for the music video and all that. So what was your state of mind, like that why is it important for me to, you know, make something which is not making a statement, it is just for the element of fun. मेरे लिए गाना बनाने से लेकर गाना लिखने से लेकर गाना रिलीज होने तक इट्स लाइक अ होल फेस्टिवल, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने स्किल्स पे कितनी मेहनत करता हूँ, मुझे पता है कि मैं कितनी साफ नीयत से काम करता हूँ. आई डू नॉट लुक डाउन अपॉन एनी बडी. आई हैव नो इंटेंशंस टू हर्ट एनी बडी. आई वर्क फ्रॉम द प्योरेस्ट कॉर्नर्स ऑफ माई हार्ट टिल द सॉन्ग इट गेट्स रिलीज, और वही इवेंचुअली यू नो आपको पे ऑफ करता है. लाइक इट्स ट्रेंडिंग, पीपल आर लविंग इट, पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट. सेट पे मेरा कोई माइंडसेट नहीं था, मेरा बस ये था कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट शॉट. जब भी कैमरा उसको वो एक्शन बोले मुझे, तो ऐसा शॉट देना है कि इसके बाद कोई शॉट होने वाला नहीं है, दिस इज द लास्ट शॉट. एंड मेरे में यही जज्बा होता है कि जो भी मैं दूँ, जैसे मैं स्टेज पर ही परफॉर्म करता हूँ, तो आप स्टेज के पहले कुछ भी हो, बट जो आप 90 मिनट से 75 मिनट्स परफॉर्म करते हो ना, वो आप एकदम आग लगा दो, आप उसी से जाने जाओगे, आप ऑफ स्टेज से नहीं जाने जाओगे. तो मुझे यही होता है कि मैं जो गाने में परफॉर्म करूंगा मैं उसी से जाना जाऊंगा, मैं गाने के जो ऑफ गाना परफॉर्म करूंगा वो नहीं, या ऑफ गाना कुछ भी करूंगा उसको नहीं जाना जाऊंगा. तो मुझे ये होता है कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट, आई लव डूइंग इट. नहीं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब आप इसको स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, जब आप इसको बना रहे थे, व्हेन यू वर कंपोजिंग इट, व्हेन द लिरिक्स वर बीइंग रिटन, बिकॉज़ आई थिंक वो बहुत एक इंपॉर्टेंट आई थिंक वक्त रहा होगा. स्टूडियो में जब आप इमेजिन करेंगे वही बाद में आपने फिर म्यूजिक वीडियो में चीज कुछ झलकती है, लेकिन वो स्टूडियो में आपकी क्या क्या थॉट प्रोसेस था? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ. ये गाना जब पिछले मार्च में लॉकडाउन चालू हुआ था दिल्ली में भी और बॉम्बे में भी, तो मेरे घर से मेरा स्टूडियो बहुत दूर है. I couldn't go to my studio. First few weeks तो जैसे हर बंदा शेफ बना होता है, तो मैं भी अपने घर का शेफ बना हुआ था, चिकन चुकन बना रहा था मैं और ये सब कर रहा था. एक टाइम के बाद खाना भी बना लिया, नेटफ्लिक्स एंड चिल भी कर लिया, ये सब OTT भी देख लिया, उसके बाद करें क्या? आई हैड माई लैपटॉप, देर वॉज नथिंग इन इट, आई जस्ट डाउनलोडेड अ बेसिक सॉफ्टवेयर, तब मैंने पहला गाना ये शांति बनाया था. उस माइंडसेट से मुझे म्यूजिक ने रिवाइव किया कि नो मैटर हाउ द कंडीशंस आर, यू नो, यू हैव टू वर्क एंड डू व्हाट यू लव. आई लव वर्किंग. तो मैंने लॉकडाउन में बनाया, तब प्रेशर्स में बनाया था कि दूर दूर तक काम दिख नहीं रहा था, अभी भी दूर दूर तक काम दिख नहीं रहा है, अभी भी दूर दूर तक शोज नहीं दिख रहे हैं. बट यू नो लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन. मैंने यही कहा कि लेट्स मेक अ किक एस ट्रैक, और ये किक एस करते करते इतना सही बन गया, इतनी बढ़िया वीडियो बन गई. निकी वाज देयर, इट्स ऑल डेस्टिनी, इट्स ऑल द मैन, कांट एग्री मोर. यस यस, वर्किंग मिलिन. मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा है कि दैट बॉलीवुड से ज्यादा आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक को प्रेफर करेंगे, दैट इज समथिंग दैट इज मोर योर प्रेफरेंस. व्हाई यू से दैट? यार मुझे बॉलीवुड में इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज होल एंड सोल आर्ट. मुझे लगता है कि आप एक्ट खुद एक्ट करते हैं, आप खुद लिख सकते हैं, देर इज नो सिचुएशन एट ऑल. आपका जैसे मन करे आप गाना बनाओ. बॉलीवुड म्यूजिक इज अपने एंड पे बहुत ही अमेजिंग है, बट समटाइम्स इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर योनर, इट रिक्वायर्स पर्टिकुलर एलिमेंट्स टू बी यूज. इंडिपेंडेंट इज टोटली फ्री फ्रॉम ऑल दिस. इंडिपेंडेंस में यू कैन पेंट द वर्ल्ड एनी थिंग यू वॉन्ट. तो मैंने शुरू भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक से किया था, तभी मेरी जिंदगी में इंडिपेंडेंट म्यूजिक की एक अलग जगह है. तो दैट इज व्हाई आई गिव मोर प्रेफरेंस टू इंडिपेंडेंट म्यूजिक. ऑलराइट, सो मिलिन, वी'd लाइक टू एंड दिस इंटरव्यू विद अ फ्यू लाइंस फ्रॉम शांति, एंड निकी कैन डू सम मूव्स फॉर अस. यस, ओके. पिछले साल तुझे दे बैठा दिल में, तेरे सिवा बोल किसके भरूं बिल में. पिछले साल तुझे दे बैठा दिल में, तेरे सिवा बोल किसके भरूं बिल. तू मानती नहीं, कुछ जानती नहीं, तेरे बिना मेरी जिंदगी में शांति नहीं. तू मानती नहीं, कुछ जानती नहीं, तेरे बिना मेरी जिंदगी में शांति नहीं. Yes. Hi guys, this is me Nikki Tamboli and you are watching me on Bollywood Hangama. Do subscribe.